सही जान मैंने बैड उनको मुंह चेक करो, मेरे यार का मुंह चेक करो, खुदा की कसम मेरे यार का मुंह चेक कर रहे यार, वीडियो बना रहे हैं मेरी जान का टूटा मेरा यार, वीडियो बना रहे हैं। मैं मेरे से व्लॉग ही नहीं बन रहा, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही। जल्दी आ यार। जी हाँ, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, कटिंग शेडिंग कराने तो बाल बाल कटवाने यार। रवा भी हमारे साथ मौजूद है, सही है, मुँह हाथ रवा ने धोया है। रवा तबीयत सेहत कैसी है मेरी जान? पहले से बेहतर है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं सलोन, सलोन जाएंगे, थोड़ा अपना होलिया सुधरवाएंगे, दाढ़ी माड़ी सेट। अच्छा भाई, वो देखो रवा भी बैठा हुआ है, वो भी अपनी खदबत सेट करवा रहे हैं, उसने कहा चलो भाई अभी खदबत बनवा ली। बाकी मैं यहाँ पे अभी बैठ गया हूँ और मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बैकग्राउंड में गाने आ रहे हैं और यूट्यूब में कॉपीराइट ना आ जाए भाई। A few moments later. बहुत ज़बरदस्त कटिंग की है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आ गया। तो आप लोग चेक कर सकते हैं भाई, इन्होंने कटिंग फेड की है बिल्कुल, इसका भी हो गया, ये भी डन हो गया भाई। तो अभी निकलते हैं घर, घर पहुँचते हैं, नहाते वाते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। A few moments later. So finally हम भी फ्रेश हो गए बिल्कुल, मुँह हाथ वगैरह धो लिया यार, कटिंग शटिंग भी करा ली, बियर्ड वगैरह बिल्कुल सेट लग रही होगी, मैंने हल्की करा लिया, लाइट करा ली। तो ये सारा सीन है, अभी पता नहीं सारे घर वाले किधर हैं यार, पता नहीं सारे किधर हैं भाई। तो बस अभी दिल कर रहा है, सर में ऐसा दर्द हो रहा है ना, दिल कर रहा है कड़क कड़क चाय पिए चाय। भाई इतनी देर इंतजार करवाने के बाद 1 बजे का मैंने इसको टाइम दिया हुआ था फरुख को, और ये हाजिर हुआ है अभी, ठीक है। और पता है 3 बजे ये 3 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है और फरुख की पैकिंग ही नहीं हुई है। ये भाई ये चेक करें, ये देखें इसकी इसकी पैकिंग अभी चल रही है, फरुख इसकी पैकिंग अभी चल रही है, मैंने बता दिया है। अब भाई अब मैं आप लोगों को फाइनली बता ही दूं कि जो एक सरप्राइज था ना, अरे हाय हाय, ये देखो ये बंदा भी तैयार हो गया, क्या बात है, चिकन चिकन क्या चिकन। आपको देखो जो बात है। अच्छा भाई सरप्राइज सबसे पहले, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सरप्राइज ये कि हमारे साथ जा रहा है फरुख, मैंने मुंह पे बोल दिया है और अब कितने लोगों की चलेगी, एंड हो गया भाई मामला, सही है ना। अब भाई ये बेचारा शाम से डिप्रेशन में है, ये बड़ा उदास है, झूठ नहीं झूठ, इंशाल्लाह ये भी आने वाला है, सही है, बहुत जल्दी आएगा। आज आज इसने मुझे ना रवा ने मुझे आज कोई 11 डंडे मारे। ये देखो आ गए व्लॉगर, ये शुरू हो गया भाई तुम्हारा व्लॉग का सीन रेडी, जानू हो गया। और सुनाओ तुम भी बनाओगे? मैं किसके बनाऊंगा? बाकी में बनाओगे? मैं किसके बनाऊंगा? तो मतलब क्या एयरपोर्ट में सिर्फ ये जंग चल रही होगी? यही चल रही होगी, तुम्हें तो हम दोनों लेंगे यार, लेंगे यार, क्या हो गया सही है यार, इसकी तो याद मुझे भाई, वो भाई तो चलो जानू तुम तो खरा ही रही हो मेरी जान, आ रहा चलो मैं शबाटर की तरह हूं, इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगा अब मेरी जान। ये तो चल ही रहा है अभी एयरपोर्ट पे, चल ही रहा है डेफिनेटली, चल ही रहा है। ये आए नए नए बच्चे, ये आए नए नए बच्चे आ गए। हां भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो, खैरियत से? आप तो मेरे साथ चल रहे हैं, आपको लेने का कोई फायदा नहीं है, मुझे भी लेने का कोई फायदा नहीं, इसको लो इसको इसको लो इसको इसको लो मेरी जान। क्या हो गया, क्यों उदास है, क्यों उदास है, रोक के तू यार पागल हो गया लेकर, क्यों उदास है, यही चलेगा भाई, यही चलेगा यार। भाभी हम जिस तरह व्लॉग बना रहे हैं, दुनिया देख रही है इस टाइम बैठ के, ये पता नहीं क्या हो रहा है, पता चला आ जाए इधर ना, ऐसे नहीं होता कराची में, ऐसा वे इधर देख, कराची को छोड़ के यार, छोड़ो यार, तो आप भी आएंगे, बेफिक्र रहे, आपको भी बुलाएंगे बेटा, ऐसे नहीं एक दिन यहीं पे रख के जा रहे हैं, अमानत में खयानत नहीं करना, बता रहा हूँ। यार चक्कर क्या, मतलब दोस्तों में भी प्यार होता है बेगैरत। यार फरुख तेरे को मैं सच्ची बताऊँ ना, मेरे साथ व्लॉग नहीं बन रहा, खुदा की कसम। अभी मैं सुबह पता है क्या किया, अब्बा के साथ
और अब कैसे आप ठीक हैं ये वो बस यार दिल ना एक अजीब क्यों हुआ भाई यकीन कर अब पता नहीं क्यों यार देखो एक बात बोलूं मैं कहता हूँ लानत है वो लोगों में जो सिर्फ समझते हैं कि लड़की के छोड़ने को भी दुख होता है वो ये भी नहीं ये भी नहीं है दोस्तों का दुख बहुत बड़ा होता है तो यार जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह का हुआ है मेरा दिल सही है ना लेकिन कोई नहीं बी स्ट्रॉन्ग सही है मुझे उम्मीद है कि मैं अपने यार को बुलाऊंगा ठीक है और इंशाल्लाह ताला ये आएगा मैं लिटरली अभी मैंने इतना कंट्रोल किया ना अभी मैं रो देता हूँ यार मेरे साथ मसला ये है कि मैं रो देता हूँ वैसे सारी बात है कॉन्टेक्ट में रही हूँ मैं इतना मारूंगा एयरपोर्ट के लिए निकल चुके रास्ते में बस 7 बजे की फ्लाइट है कोलंबो भी पहुंच के कोलंबो पहुंच के इस व्लॉग को एंड करेंगे और कोलंबो पहुंचने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि भाई कोलंबो के बाद कहाँ है ठीक है ना A few moments later. International, domestic, finally, भाई कराची एयरपोर्ट फर्रुख कहाँ रह गया भाई फर्रुख अपने दोस्तों के साथ बाइकों में था ठीक है और फर्रुख की भी चेकिंग हो रही होगी पता नहीं कि फर्रुख कहाँ रह गया फर्रुख पता नहीं कहाँ रह गया खैर तो जनाब आप लोग देखें इंटरनेशनल डोमेस्टिक हम लोग फाइनली पहुँच गए एक वक्त आएगा इंशाल्लाह तू भी बहुत जल्दी यहाँ से जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ आएगा इंशाल्लाह यार उम्रा भी करने जाएंगे और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम लोग उम्रा कर सके यार मुझे फरूख की फिक्र हो रही है फरूख कहाँ रह गया आई थिंक वास्ते में होगा आने वाला अबे भाई उसने आना था यार उसने आना था पता नहीं किधर चला गया कसम से यार कोई भी भंड हुआ ना तुझे पता है फिर अब्बा क्या करेंगे तू जानता है यार कसम से फरूख पता नहीं कहाँ है यार और ये सारे तो इधर खड़े हैं फरूख पता नहीं कहाँ रह गया यार क्योंकि भाई फ्लाइट तो जाहिर सी बात है उसकी भी है ना तो भाई फाइनली फरूख आ गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई सामान मंगा रहा है अभी सारा काउंट हो रहा है ठीक है ना सारा सामान मंगा रहा है लोग देख रहे हैं रवा अभी हमारे साथ मौजूद है तू ना तू नहीं आएगा अरे अपसेट नहीं होना मेरी जान अपसेट नहीं मेरी हिम्मत टूट जाएगी इस तरह और तू अगर चाह हाँ मेरी हिम्मत टूट जाएगी हाँ हिम्मत नहीं तोड़वाना बस आएगा तू इंशाल्लाह आएगा ये मेरा वादा है कि मैं तेरे को बुलाऊंगा इंशाल्लाह जरूर ठीक है ना ठीक है अच्छा काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे अभी कि अपना रवा क्यों नहीं जा रहा और रवा को लेके क्यों नहीं गए तो भाई रवा को लेके मैं इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है सही है तो ये बात रवा ये तुम क्यों नहीं गए ये मैंने क्लियर कर दिया कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पे है अभी अम्मी और रवा की मुलाकात हो रही है रोना नहीं है मेरी जान रोना नहीं है देख मेरी हिम्मत टूट जाएगी इस तरह हेलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मेरी जान ठीक है ना साथ खैरियत से घर जाना अच्छा अमल करना नमाज वगैरह इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह गांव में आना इंशाल्लाह अभी तुम जा रहे हो ना घर वीडियो बना लो कोई मसला नहीं है ये व्लॉग आएगा अल्लाह हाफिज़ चलो भाई आ जाओ मुझसे लिटरली व्लॉग नहीं बन रहा लिटरली मुझसे व्लॉग नहीं बन रहा मुझसे कुछ नहीं हो रहा तो भाई फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग वगैरह हो गई इमिग्रेशन हो गई हाँ भाई तेरी हो गई सब डन हो गया अब ये मुझे बोल रहा है यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना बस किसी दिन बाहर निकल जाऊँगा ना 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 पुत्र अब तो तू चलेगा तेरे को बड़ा शौक था ना खैर यार भूख के मारे हालत तबाह हो रही है और फ्लाइट 2 घंटे अभी है फ्लाइट में सही है अभी कुछ खाएंगे पियेंगे ये सीन है ओए होए 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 रवा आई मिस यू मेरी जान बाकी ये क्या देखते हैं क्या प्लान है अभी ये देखो यार ऐसे चिप्स विप्स रखे हुए पीने की चीज़ें रखी हुई मेरा दिल कर रहा है कुछ ना कुछ पी हूँ खैर एनी वे यार अभी देखते हैं और मोबाइल की बैटरी भी 13% है तो भाई अब मैं ख़ास ख़ास चीज़ें ही दिखाऊंगा और 13% बैटरी है तो आधी मुलाकात करते हैं अब बाद में फरूख ये मुझे बताओ फील कैसा हो रहा है बेहतर फील कर रहे हो थोड़ा तो फिर अब तो बेहतर फील कर रहे हो गए क्या क्या अच्छा भाई मेरी रवा से बात हो गई तो मुझे थोड़ा सुकून हो गया रवा ने मुझे बोला कि अपने क्या कहते हैं मेरी उससे वॉइस पर बात हो गई उसकी आवाज़ भी सुन ली ना मैंने अपने यार की तो हमारे दिल को सुकून हो गया और अभी मैं जब कोलंबो पहुंच जाऊंगा तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई मैं कोलंबो पहुंच गया तो ये सारा का सारा सीन है हाँ भाई फर्रुख बैठते हैं अल्ले भाई पता चला मसला हो गया
सर्दी तो नहीं हो रही है ना यार, सर्दी भी नहीं हो रही है। आपको दिखाते होंगे आधा आधा ब्लॉग, हम आपको पूरा पूरा ब्लॉग दिखा रहे हैं भाई, हम ब्लॉग के अंदर सब कुछ दिखा रहे हैं। फाइनली हम लोग जहाज के अंदर अभी आ गए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं अपनी सीट वगैरह, देखते हैं तो कौन से हम लोगों की सीट है, सीट्स वगैरह निकाल लें, बैठेंगे, सामान वगैरह रखेंगे, उसके बाद बैठ के मैं आप लोगों को बताता हूँ। तुम्हें यहाँ की मिल गई विंडो की, खुश इतना पाक। वैसे हम लोग आपस में चाहें चेंज कर सकते हैं। बेटा क्या क्या महसूस हुआ? शराफत से मेरी विंडो के व्यू ले लेना, बना देना। बोलो लेकिन उसको देख यार, मेरी कजन का ना मरियम का मुंह देखने वाला हो रहा है, देखने वाला यार। वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है ना, दरअसल वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है, सीन उसका ऐसा है। तो भाई यहाँ पे हम लोगों का खाना आ गया, ठीक है ना, बेहतरीन वाला। बहुत कम नहीं है नहीं भाई, ये खाना मिलता है आप जैसे लोगों के लिए, इतना नहीं मिलता। करो खाना आ गया, सही है ना। खाने में देखते हैं भाई क्या क्या आया है खाने में। मुझे तो ओए ये क्या है, ये तो आलू है। चिकन रोल के बगल बनाती है ये, खोल 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 भाई, तीनों का एक सा आया है भाई। ऑरेंज जूस दिया है इन्होंने, ऑरेंज जूस पी के देखते हैं कैसा भाई। मैंने तो अब एप्पल जूस लिया है, पूरे मुंह का टेस्ट बर्बाद हो गया ऑरेंज पी के। हाँ ये एप्पल जूस ही है, कुछ और मत समझ लो, एप्पल जूस। फर्रुख कसम से ये जो तू हरकतें कर रहा है मत कर, पूरे जहाज में बदबू हो जाएगी भाई। भाई इसके काम देखो, दिखाओ जरा मुझे, इसने ना जूते उतार लिए, सही है, पूरे जहाज में बदबू हो जाएगी कसम से भाई, पूरे जहाज में बदबू आ रही है। इसको मैंने मना किया है, अब मैं तू मत कर भाई, क्या कर रहे हैं ये देखो। Many hours later, फाइनली हमारा जहाज लैंड हो रहा है भाई, इंशाल्लाह अभी लैंडिंग में। ओए फर्रुख व्यू चेक करा ऑडियंस, क्या ये व्यू चेक करो, सिर्फ बादल, पानी 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 पानी। अभी जहाज टर्न करना है, टर्निंग पे पहुंच गया भाई कोलंबो फाइनली, श्रीलंका। हाँ भाई फर्रुख, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा भाई, सीधी बात है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फ़ोन की बैटरी 1% है मेरी, बंद हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, खाने के मामले में भाई बहुत बेकार, खाने के मामले में मत ही पूछो भाई। और मुझे लग रही है इस टाइम कुत्ता भूख। बस यही चक्कर है, अभी जाते हैं देखो, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, तब तक के लिए ब्रेक लो। अच्छा जी, यहाँ पे सारे टॉयलेट वगैरह बने हुए, ठीक है, यहाँ पे मेंस वगैरह की शर्ट्स वगैरह का सीन है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को छोटी छोटी, अच्छा जो मतलब श्रीलंका की जो छोटी छोटी एक कल्चर है, चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को शो कराता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये छोटी की चेन हो गई, जैसे कि आई लव श्रीलंका, ठीक है, ये सारा सीन है, ये यहाँ के छोटे मोटे कल्चर हैं। हाँ भाई व्लॉगर इधर आ जा, क्या हो गया? अच्छा जी ये चेक करें, ये कॉफ़ी वगैरह का सीन है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह मिलती है। ये प्रे रूम, यहाँ पे आप जाएंगे, प्रे रूम बना हुआ है पूरा, ठीक है ना। प्रे रूम में मतलब आप जाएँ नमाज वगैरह पढ़े, और प्रे रूम का सिस्टम ऐसा है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखें, ये है जेंट्स का, यहाँ पे सारे जेंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं नमाज वगैरह माशाल्लाह से सब पढ़ रहे हैं। ये लेडीज़ है जो कि हम नहीं जा सकते। खैर एनीवे, तो यहाँ पे फिर मैंने नमाज वगैरह पढ़ी मैंने और फरूख ने, ये सीन है। खैर आप लोग ब्लॉग में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को, वैसे मुझे लग रहा है यार इन लोगों को शक हो गया था फरूख के तू साथ है, दो तीन लड़कियों ने लिख दिया था कि हमें तो लग रहा है कि फरूख है, फरूख है, फरूख है,
Many hours later. अच्छा जी, अब मामला ऐसा है कि इस व्लॉग को ना मैं इधर ही एंड करता हूँ, क्योंकि नेट का भी बहुत इशू है, एडिटिंग भी बहुत मुश्किलों से हो रही है. अभी हम व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, श्रीलंका में ही व्लॉग को एंड करते हैं. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जर्नी बहुत मजा आ रहा होगा. लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें. हाँ फारूक, और फर्रुख हमारे साथ यहाँ पे है भाई. ये आप लोगों को सरप्राइज आप लोगों ने देख लिया, और पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और स्पेशली रवा बिलाल सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है भाई. खैर इंशाल्लाह ताला दोबारा चक्कर लगाएंगे, फिर मुलाकात करेंगे अपने दोस्तों से. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.